नमस्कार। देखो, हैप्पीनेस का सबसे बुनियादी मंत्र तो यही है कि रेस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबको पहले बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोग हैप्पीनेस टीचर्स बनने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने हैप्पीनेस, वैसे तो टीचिंग का काम खुद ही हैप्पीनेस का काम है, कुछ भी पढ़ाओ, सिखाना अपने आप में हैप्पीनेस का काम है। सिखा के जो सुख मिलता है वो दुनिया का कोई और सुख मिल नहीं सकता, नहीं मतलब अगर आप यहाँ त्यागराज स्टेडियम के बाहर खड़े हों और कोई आपसे आके पूछे कि ट्रेनिंग किधर चल रही है और आप उसको बता भर दो कि इधर है, वो भी सिखाना ही है, तो उस बताने में भी सुख है कि नहीं। तो आप तो टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, आपके तो काम ही ये है, पर ये हैप्पीनेस कैरिकुलम सब्जेक्ट के तहत, एक कैरिकुलम के तहत आप सब लोग हैप्पीनेस बच्चों को सिखाने की, बच्चों को पढ़ाने की, बच्चों इस हैप्पीनेस कैरिकुलम को डिलीवर करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। आज के इस 2.5-3 घंटे के सेशन में मेरा मानना है कि यहाँ हम हैप्पीनेस की ट्रेनिंग नहीं कर रहे, बस आपको सरकार का डायरेक्टरेट का इंटेंट क्या है वो बताना चाहते हैं। क्योंकि टीचर को, जो पहले से टीचर है, आप लोग बीएड करके आए हुए लोग हैं, आप लोग अपनी अपनी क्वालिफिकेशन लेके टीचिंग में आए हुए लोग हैं, आप लोग कई कई साल का अनुभव लिए हुए लोग हैं, उन सबको हम यहाँ 3 घंटे के कोई सेशन करेंगे टीचिंग सिखाने के लिए या हैप्पीनेस कैसे पढ़ाना है, ये सब अपना इरादा नहीं है। इस 2.5 घंटे को बिल्कुल इस रूप में ना लें, इस 2.5 घंटे को इस रूप में लें कि हम ये हैप्पीनेस कैरिकुलम लाने का सरकार का इरादा क्या है। और ये जो एक बुकलेट बनाई गई, बुकलेट है क्या, एक दे दीजिए मुझको, ये 6th to 8th का है ना अभी, आज राजेश जी नहीं, आज प्राइमरी है सब नहीं, बट आज किसको कवर कर रहे हैं आप इस वाले ग्रुप में, आज प्राइमरी है, प्राइमरी बुकलेट 6 to 8 की है ना, हाँ शक्ल सबकी ऐसी है। ये 3 किताबें बनी हैं, आप तक पहुँचेंगी, फोटो सब में एक ही लगा हुआ है, कवर एक ही है। इसमें ये वाली 6 to 8 की है, अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं कि नर्सरी टू 2 भी आ जाएगी और फिर 3 to 5 भी मिल जाएगी आपको। इन तीनों किताबों के अंदर जो कंटेंट है उसका इंटेंट क्या है, इतनी सी बात हम यहाँ 2.5 घंटे में करेंगे और उसके डिलीवरी से क्या हम आउटकम चाहते हैं उतनी सी बात करेंगे। उसकी शुरुआत करने के लिए मुझे यहाँ अवसर मिला है और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जो हम सब एजुकेशन से चाहते हैं लेकिन मिस कर रहे हैं। सारी दुनिया में लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, पढ़ लिख के खुशहाल बन जाए। सुनता जी, AC थोड़ा कम है मुझे लग रहा है यहाँ, कई लोग थोड़ा, मैं समझ सकता हूँ दर्द, टीचर्स का दर्द शिक्षा मंत्री समझ सकता है। देखो, इतनी छोटी सी बात पे कितना अच्छा लगा आपको। अगर हम एजुकेशन लीडर्स दिल्ली के 16 लाख बच्चे और उनके पेरेंट्स के दर्द को समझ के उसका समाधान निकाल सके तो कितनी खुशियां बैठ जाएंगी। आपका ये दर्द तो सुनीता जी अभी दूर करवा देंगी, लेकिन समाज का, देश का और बच्चों का जो दर्द है उसको हम समझ के अगर हम उसको समाधान कर सकें, इसका नाम हैप्पीनेस कैरिकुलम है। इतना ही हैप्पीनेस कैरिकुलम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसी को समझ के यहाँ लाने की कोशिश की है। यहाँ इस पूरे कैरिकुलम में 2-3 चीज़ें हैं, आगे आने वाले कुछ घंटे में, 2-2.5 घंटे में आपके सामने स्टेप बाय स्टेप ये लोग प्रेजेंट करेंगे, पर मैं उसको अगर समराइज करना चाहूँ तो इतना ही है कि एजुकेशन या खासतौर से हैप्पीनेस के बारे में हम बात करें। मैं सुबह कहीं पढ़ रहा था, एक अच्छी सी किताब थी मेरे पास, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन आई, एजुकेशन इज द प्रोसेस दैट यू डू, इट्स नॉट ए प्रोसेस दैट इज डन टू यू। एजुकेशन ऐसी प्रोसेस है दैट यू डू टू योर सेल्फ, इट्स नॉट डन टू यू, कोई आपके ऊपर नहीं कर सकता, बल्कि आप खुद के लिए करते हैं।
यही बात हैप्पीनेस के लिए भी लागू है. हैप्पीनेस इज ए प्रोसेस दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ, नोबडी कैन डू टू यू. अभी तक हम एजुकेशन के माध्यम से दुनिया में जितने भी प्रयोग किए हैं, देश में जितने प्रयोग किए हैं, उन सब की सीमा यह है कि हम बाहर की दुनिया को समझते हैं, बाहर मैटर को समझते हैं, बाहर के मैटर के आपस के रिलेशन को समझते हैं, उनकी कैलकुलेशंस को समझते हैं, उसके मैनेजमेंट को समझते हैं, उसके ट्रेडिंग को समझते हैं. ये सारा मैनेजमेंट साइंस ये सब उसी में है. या दूसरे लोगों ने क्या व्यवहार किया उसको समझते हैं, हिस्ट्री साइकोलॉजी सब कुछ उसमें है. अपने अंदर को हम समझ सकें, अपने अंदर हम किन परिस्थितियों में क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि खुशी तो अपने लिए चाहिए, हैप्पीनेस तो अपने लिए चाहिए, वहां का इससे क्या लिंक है उसको हम इसके माध्यम से लाने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम इस कोर्स को तैयार कर रहे थे, उससे थोड़े दिन पहले इत्तेफाक से, मैं हर सेशन में ये बात रखता हूँ, इत्तेफाक से मैं मॉस्को गया था. मॉस्को में 45 देशों के शिक्षा मंत्रियों की सम्मेलन चल रहा था और वहाँ वो लोग आपस में, हम सब लोग आपस में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, शिक्षा मंत्री अपने अपने देश के बारे में, कि हमने अपने क्लासरूम्स में किस तरह से हाईटेक कंप्यूटर लगा दिए हैं, किस तरह से हाईटेक बोर्ड बना दिए हैं, किस तरह से हम अपने क्लासरूम्स को हाईटेक बनाते जा रहे हैं. 10वें 12वें नंबर पर मेरी बारी आई बोलने की. मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए, हम 45 देशों के शिक्षा मंत्री बैठ के हम ये बताएं कि हमने मार्केट को अपने क्लासरूम में कितनी तेजी से घुसा लिया है. ये कोई हमारी बड़ी उपलब्धि नहीं है. कोई आज कोई कल मार्केट तो अपनी जगह घुसा ही लेगा, अपनी जगह बना लेगा क्लासरूम्स में. 45 देशों के शिक्षा मंत्री अगर बैठ के बात करें तो इस पे बात करनी चाहिए कि क्या हम दुनिया के शिक्षा मंत्री दुनिया को ये भरोसा दिला सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम दुनिया की कुछ बड़ी समस्याओं को खत्म करने का मादा रखते हैं, जिसमें आतंकवाद है, जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें हेट्रेट है, जातीय संघर्ष, धर्म के संघर्ष, जिसमें पॉल्यूशन है. मैंने कहा कि क्या हम दुनिया के 45 देशों के शिक्षा मंत्री दुनिया को ये भरोसा दिला सकते हैं कि हम, कि दुनिया के लोगों, आपसे, दुनिया की सरकारों, आप लोग युद्ध के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से, संधियों के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने में कामयाब नहीं हुए, हम शिक्षा के माध्यम से दुनिया से आतंकवाद खत्म करके दिखा देंगे. जब मैंने ये बात मॉस्को में कही 45 देशों के मंत्रियों के बीच, तो उन्होंने, उनमें से लगभग हर एक ने कहा, यार बात तो, बाद में पर्सनल बातचीत में भी मुझसे कहा, यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बताओ ये हो सकता है क्या. तब मैं उनको कह के आया था, साथियों, कि ये हो सकता है और वेट करिए, ये इंडिया से होके निकलेगा. ये देश, अगर ये कहीं हो सकता है तो भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत ही वो देश है जो दुनिया के मेटेरियल को स्टडी करने के साथ साथ अपने इमोशंस को भी स्टडी करने की महारत हासिल कर चुका था. उसमें कोई अपना अध्यात्म, अपना अपना कोई पकड़ रखता है. दुनिया के सारे देशों में जो साइंस आज स्टडी की जा रही है, मैं कोई ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग और उन सब की बात नहीं करता कि हमने फलाना किया था, ढकना किया था, मैं बस फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ. आप में से विज्ञान के शिक्षक हैं, जानते होंगे 200 साल पहले रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक, या रदरफोर्ड सीरीज के जितने वैज्ञानिक हुए, उन लोगों ने 200 साल पहले जो खोज की कि एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर स्पेस है, उसी बात को 3000 साल पहले हमारे यहां आर्यभट्ट नाम का एक वैज्ञानिक तरीके से कह के गया था, किसी धर्म के हिसाब से नहीं कह के गया था. 3000 साल पहले आर्यभट्ट यही बात कह के गया था कि एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस के अंदर शून्य है, उस शून्य के आधार पर सारी कैलकुलेशन करनी है. उसके बाद दुनिया को, हमने गाना गाया ना, दुनिया को गिनती आई, वो कहां से आया, आर्यभट्ट ने दिया. तो जो देश 3000 साल पहले उस शून्य की खोज कर चुका था, जिसको आप 200 साल पहले स्पेस के रूप में पहचान रहे हो, हर जगह उपलब्ध एनर्जी के रूप में पहचान रहे हो, जो तो वही देश शिक्षा के माध्यम से दुनिया में वो चीज ला सकता है जिससे हम दुनिया में आतंकवाद, हिंसा, नफरत, भ्रष्टाचार, प्रदूषण जैसी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं. हैप्पीनेस कैरिकुलम के माध्यम से, साथियों, हमारी कोशिश उसी तरफ जाने की है. हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जैसे हम एक बच्चे को ग्रामर सिखाते हैं, तो हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि नर्सरी से लेके 12वीं तक हम उसको इस रूप में पढ़ाएंगे कि वो ग्रामर में मिस्टेक नहीं करेगा. कह सकते हैं, जब भी कुछ लिखेगा, हम इंग्लिश का टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाए और 12-14 साल उसको बच्चा पढ़ाने को मिले, तो ये कह सकता है कि मैं इस बच्चे की ग्रामर ठीक कर दूंगा. साइंस का टीचर साइंस, मैथ का टीचर मैथ,
कहता है मैं इसको ठीक पढ़ दूंगा। तो हैप्पीनेस के टीचर को चीज़ों को वहाँ लाना है कि वो कह सके कि मेरे यहाँ से जो बच्चा निकल के जाएगा वो जिंदगी में कुछ भी करे, रिक्शा चलाए या किसी अंबानी की कंपनी चलाए, दोनों स्थितियों में हैप्पी रहेगा, हैप्पीनेस के साथ काम करेगा। यहाँ लेके आना। जब मैं ये बात कर रहा था तो मुझसे पूछा गया कि क्या हैप्पीनेस ऐसी चीज है जो सिखाई जा सकती है, क्या क्लासरूम में पढ़ाई जा सकती है? मेरा जवाब है, हैप्पीनेस पढ़ाई नहीं जा सकती, हैप्पीनेस का अभ्यास कराया जा सकता है। हैप्पीनेस अभ्यास की वस्तु है, अभ्यास का क्रम है। आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को, भाव को अपने अवस्था में समझ के उसका अभ्यास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप जितने शिक्षक हैं, हमारे समाज में तो वैसे ही टीचर का सम्मान रहा है, आजकल भले ही सब लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हर शिक्षक की ये अपेक्षा रहती है कि उसके अधिकारी, उसके मंत्री, उसके विभाग के सीनियर्स उनसे रेस्पेक्ट से बात करें। रहती है कि नहीं रहती है? बता दो भाई, अभी आज तय हो जाए। रहती है कि नहीं रहती है? हर टीचर की अपेक्षा रहती है कि मेरे सीनियर्स, ये हर आदमी की रहती है, बच्चे की अपेक्षा माता पिता से रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी, मैं टीचर के प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ लेकिन टीचर्स के बीच में बात कर रहा हूँ तो इसलिए बात कर रहा हूँ। हर टीचर की, मेरी अपेक्षा रहती है मेरा मुख्यमंत्री मुझसे ठीक से बात करे, सबकी रहती है, ठीक से मतलब सम्मान के साथ बात करे। तो हमारी अपेक्षा सबकी रहती है कि हमारे सीनियर्स हमसे जब बात करें तो एक डिग्निफाइड तरीके से बात करें। लेकिन मैं कई बार क्लासरूम्स में जाता हूँ आप लोगों के, और वहाँ मैं देखता हूँ, जब मैं पहुँचा क्लासरूम में तो 100 में से 50 मर्तबा तो ऐसा होता है मेरे साथ, मैं बच्चों से कुछ पूछूं और बच्चा मान लीजिए बता ना पाए, बच्चा मान लीजिए बताए तो खड़े होकर ना बताए, तो 100 में से 50 मर्तबा तो ये हुआ है मेरे अनुभव के आधार पर, मैं कह रहा हूँ 3 साल में, कि टीचर उसको तुरंत खड़ा होकर बोल, कितनी बार उसे कहा खड़ा होकर बोला कर। जो अपेक्षा हम उधर से कर रहे हैं अपने किसी सीनियर से, उसको हम नोट कर सकें और उसको नोट करके खुद भी उसको अप्लाई कर सकें कि जब मुझसे कोई बात करता है तो मुझसे डिग्निटी के साथ किस तरह से बात करे, किस लहजे में बात करे, मेरी अपेक्षाएं क्या है, मैं उसको नोट डाउन करता हूं, और जब मेरे व्यवहार में दूसरे के प्रति जाता है तो मैं उसको प्रैक्टिस में ला सकूं। इसी का नाम हैप्पीनेस करिकुलम है, इसी का नाम हैप्पीनेस की क्लास है। हम अभ्यास में ला सकें इन चीज़ों को। हैप्पीनेस अभ्यास में लाई जा सकती है, हैप्पीनेस पढ़ाई नहीं जा सकती है। हैप्पीनेस लेबोरेटरी में जाके कोई एटम के स्ट्रक्चर नहीं समझाया जा सकता, या फोर्स का स्ट्रक्चर नहीं समझाया जा सकता, फोर्स का बैलेंस की कैसे समझना है फोर्स को, लेकिन हैप्पीनेस अभ्यास में लाई जा सकती है। हैप्पीनेस की क्लास अभ्यास की क्लास होगी, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, इसके कंटेंट पे हमने, बहुत लोगों ने इसको कंटेंट को डिवाइस करने में काम किया है, उसमें से करीब 20-25 हमारे आपके बीच के टीचर्स हैं, 15-20 लोग और जो एजुकेशन पे अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों ने काम किया है। और इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं इस किताब के। पहला कंपोनेंट है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस दुनिया भर में आजकल, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया भर के स्कूल्स में बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज है, पॉपुलर ट्रेनिंग है। माइंडफुलनेस का क्या मतलब है? माइंडफुलनेस का मतलब है ध्यान देना। भारत में, इसीलिए मैंने बोला और अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, अभी देखिएगा, भारत में ध्यान की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है, पर हम ध्यान करने की बात नहीं कर रहे, हम ध्यान देने की बात कर रहे हैं। हम टीचर्स, हम पेरेंट्स, हम सोसाइटी के लोग हमेशा बच्चों को कहते हैं ध्यान दो। टीचर पढ़ाते हुए क्लासरूम में कहता है ध्यान दो, माता पिता घर में बैठे हुए कोई पिताजी कोई बात कह रहे हैं तब कहते हैं ध्यान दो, टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस वक्त कहते हैं तुम्हारा ध्यान किधर है, ध्यान दो। मैं सोचता हूँ कई बार कि अगर किसी बच्चे ने पूछ के पलट के पूछ लिया कि मैडम आप कह तो रही हो ध्यान दो, ध्यान देना दे कैसे, ध्यान देना क्या होता है, ध्यान देने का कोई अभ्यास, ध्यान देने की कोई ट्रेनिंग? तो ये जो माइंडफुलनेस है ये कुल मिला के ध्यान देने की ट्रेनिंग है। इसको सारी दुनिया में बहुत तरीके से अपना रहे हैं। इसको हम देखते हैं कि लोग माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल थिंकिंग, माइंडफुल सिटिंग, कि जब आप बैठे हो तो आप अपने थॉट्स पे ध्यान दे लो, आप खाना खा रहे हो तो उसके स्वाद पे ध्यान दे लो, गाना सुन रहे हो तो गाने के कंटेंट पे ध्यान दे लो। नहीं, हम लोग कल जिक्र कर रहे थे कि बड़ी मेहनत से हम लोग जाते हैं किसी
प्लान बनाते हैं आज तो घर में ट्रीट हो जाए, पिज़्ज़ा खाने जाना है, बच्चे के अच्छे नंबर आ गए, अभी हुए ना एग्ज़ाम, और खाना खाने जाना है बाहर, बड़ा टटरम जटरम करके कनॉट प्लेस पहुंचते हैं गाड़ी लेके, पार्किंग वार्किंग ढूंढ ढांड के गाड़ी में किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके फेवरेट डिश ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद में जब पिज़्ज़ा आके रख जाता है सामने, उस वक्त ध्यान कहीं और है और पिज़्ज़ा अंदर, पता ही नहीं चला पिज़्ज़ा कैसा था। कोई घर पे आ रहा है, आपके हाथ की तो फलानी डिश खानी है आज, आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं, आपके घर में तो ये बहुत अच्छा बनता है, आपने बहुत मेहनत करके बनाई, चार घंटे किचन में मेहनत की टटरम झटरम, और उसके बाद में जब डिश डाइनिंग टेबल पे डिश आके रखी, ध्यान ही नहीं था, बिना ध्यान किए डिश अंदर, फिर इतनी मेहनत काय को की थी, कुछ भी खा लेते फिर तो। तो ध्यान देना, पढ़ने में आप टीचर से ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता कि ध्यान देने की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस हैप्पीनेस कैरिकुलम का एक सबसे अहम सब्सटेंस है, एक सबसे अहम पहलू है ध्यान देने का अभ्यास कराना। ये अभी यहाँ बताएंगे कि कैसे, हमारे कुछ साइकेट्रिस्ट यहाँ पे हैं जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं कि ध्यान देने की प्रक्रिया क्या है, ध्यान देने का अभ्यास कैसे कराया जा सकता है क्लासरूम से, और हैप्पीनेस में हम उसको हैप्पीनेस करिकुलम के तहत उसको कैसे कराएंगे, उसका पूरा जिक्र इस उसमें है पहले सिलेबस में। दूसरा, कुछ स्टोरीज हैं, स्टोरीज आप बहुत पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, संस्कृत में पढ़ाते हैं, इतिहास में भी स्टोरीज पढ़ाते हैं, बहुत सारी, बहुत सारे तरीक़ों से स्टोरीज पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम कोई और मॉरल साइंस और वैल्यू एजुकेशन और बहुत सारी किंवदंतियाँ चलती हैं हमारे यहाँ स्टोरीज में, हर स्टोरी में एक फैक्ट शीट होती है और एक उसका एसेंस होता है, एसेंस पे चर्चा नहीं होती है, एसेंस पे चर्चा करना थोड़ा टफ काम है, फैक्ट शीट पे चर्चा करना आसान काम है। एक लड़की थी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बाद में क्वेश्चन पूछना कैसा हुआ, बच्चा लिख दे ऐसा हुआ, सबसे आसान काम है, लेकिन उस स्टोरी को उस कैरिकुलम में लाने का कुछ पर्पस था, वो पर्पस डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, वो मुश्किल काम है। वो मुश्किल इसलिए नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप टीचर्स हैं आप कर सकते हैं, लेकिन कभी आपको उतना स्पेस नहीं दिया गया। ये हैप्पीनेस कैरिकुलम आपको स्पेस देगा कि आप उसके एसेंस को डिलीवर कर सकें। इसमें 20 स्टोरीज हैं, 20 है ना, उसमें 20 25 कितनी, दूसरे वालों में कितनी है, सभी में 20 हैं। ये नर्सरी टू 2, 3 टू 5, 5 टू 6, 6 टू 8 की क्लासेस की बुकलेट्स में 20 स्टोरीज हैं। इन 20 स्टोरीज में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आपसे, सर्कुलर में कुछ भी लिख दे और सर्कुलर को तो अपने हाथ में ठीक करा लेंगे, कुछ गलत भी हो गया तो सुनीता जी ठीक करा लेंगी। इन 20 स्टोरीज में से आप बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना कि 20 स्टोरीज का सब्जेक्ट सिलेबस है और वो सिलेबस पूरा करना है, बिल्कुल नहीं है। आप 20 स्टोरीज में से 2 स्टोरी कराएं या 10 स्टोरी कराएं या 1 स्टोरी कराएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि उसका एसेंस कम्युनिकेट होना चाहिए, कि वो एसेंस क्लास को समझ में आया कि नहीं आया। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको इसमें से बताता हूँ, इस वाले 6th to 8th वाले में है, बहुत सोच समझ के स्टोरीज निकाली हैं। एक स्टोरी है इसमें कि तीन, एक कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई व्यक्ति गया, उसने देखा वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। उसने पहले मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो, तो पहले मजदूर ने कहा साहब पत्थर तोड़ रहा हूँ, दुखी होके। दूसरे मजदूर से पूछा तुम क्या कर रहे हो, वो भी पत्थर ही तोड़ रहा था, उसने कहा जी मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ। तीसरे मजदूर से पूछा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा जी मैं स्कूल बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं, यहां स्कूल बनेगा तो बच्चे पढ़ा करेंगे। ये जो फीलिंग है ये हैप्पीनेस की फीलिंग है। एक तरफ वो पत्थर तोड़ने वाला आदमी है, दुखी है इतनी गर्मी में पत्थर तोड़ रहे हैं, शाम को क्या झेला मिलेगा। एक तरफ दूसरा आदमी है जिसको लग रहा है कि मुझे हार्डशिप है, थोड़ा मुश्किल है पत्थर तोड़ना, लेकिन शाम को बच्चों को पालना है तो इसलिए पत्थर तोड़ना ही पड़ेगा। तीसरा आदमी है पत्थर तोड़ रहा है, पत्थर तोड़ते हुए सोच रहा है कि जिस दिन ये स्कूल बनकर खड़ा हो जाएगा यहां पे बच्चे पढ़ा करेंगे। घटना एक ही घट रही है, पैसे इतने ही मिल रहे हैं, लेकिन अप्रोच बदल जा रही है। उस अप्रोच को स्टोरी में लाना, अब यह स्टोरी अगर नॉर्मल हिंदी सिलेबस की स्टोरी होगी तो आपके ऊपर प्रेशर है, और मैं चाह के भी वो प्रेशर बहुत कम, बहुत ज्यादा कम नहीं करा पाया हूं, कुछ तो कम हुआ है कि आपको उसके बाद के भी बाकी स्टोरीज पढ़ानी। अब जैसे ये वाली स्टोरी सेकंड स्टोरी है, अब ये स्टोरी अगर आपके हिस्से में हिंदी या किसी नॉर्मल सब्जेक्ट में पढ़ाने में आई होती तो आपका काम था ये स्टोरी पढ़ाओ और आगे बढ़ो,
आपसे पूछा जाता या पूछा जाता है, स्टोरी कितनी स्टोरी हो गई, कैरिकुलम से कितना पीछे चल रहे हो टाइमलाइन से? साथियों, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है। आप स्टोरी पकड़िए और यह सुनिश्चित करिए कि आपकी क्लास उस तीसरे वाले सेंस को पकड़ पाई कि नहीं पकड़ पाई, इन तीनों अवस्थाओं को ठीक से क्लासिफाई कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। आपकी क्लास के बच्चे जब कोई होमवर्क करते हैं, जब कोई काम करते हैं, जब कोई बैठते हैं, जब पढ़ने आते हैं, पढ़ने के क्रम में, कुछ काम करने के क्रम में, इन तीनों अवस्थाओं को अपने ऊपर अप्लाई करके देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। आपको उस कराने में एक दिन में भी हो सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, और हो सकता है दो हफ्ते तक मेहनत करनी पड़े आपको। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि तीसरी स्टोरी पे तब तक मत जाना जब तक आपको ये सुनिश्चित ना हो जाए कि इस स्टोरी का एसेंस, इस स्टोरी का जो जूस है वो मेरी क्लास तक पहुंच चुका है, वरना हैप्पीनेस नहीं होगी, कैरिकुलम पूरा हो जाएगा। हैप्पीनेस और कैरिकुलम इत्तेफाक से दो अलग अलग शब्द हैं। क्लास पूरी हो जाएगी, हैप्पीनेस नहीं आएगी। हैप्पीनेस तब आएगी जब एक एक बच्चे के साथ काम करके, उसके साथ डिस्कस करके, उसके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्सनल, फिजिकल, उसके मेंटल परिस्थितियों पे बात करके हम उसको यहां तक ले आए कि देख तीसरी वाला जो मजदूर था वो कितना, उसका अप्रोच क्या है, वो अप्रोच तुम्हारी अपनी जिंदगी में कहां कहां खड़ा है, जहां जहां नहीं है वहां दुखी रहते हो, जहां जहां है वहां खुशी रहते हो। उस अप्रोच को अगर पकड़ पाए तो एक ही स्टोरी में पूरा हैप्पीनेस क्लास पूरी हो जाएगी। मैं तो कहूंगा कोई बहुत साहसी टीचर अगर चाहे और ये कहे कि साहब मुझे पूरे कैरिकुलम आपका एक तरफ और मैं तो इसी स्टोरी के बेस पे पूरे साल हैप्पीनेस की क्लास चलाऊंगा, आई वुड लाइक टू वेलकम दैट एक्सपेरिमेंट। मकसद कैरिकुलम पूरा करना नहीं है, मकसद सिलेबस पूरा करना नहीं है, मकसद वो एसेंस माइंड तक और प्रैक्टिस तक उतारना है। वैसी ही बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो एक तो मैं आपको ये कहना चाहता था, माइंडफुलनेस की जो क्लास है, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, कुछ लोग अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, आप सब लोग जब क्लास लेते हैं तो आप भी क्लासरूम में गए, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तो क्या करते हैं, पहले सेटल डाउन करते हैं ना। तो माइंड हैप्पीनेस की क्लास में 5 मिनट हम लोग लेंगे बच्चे के सेटल डाउन के लिए। बच्चा भले ही फिजिकली टीचर के आने के बाद नहीं घूमता है लेकिन माइंड से तो चारों तरफ घूम रहा होता है। तो माइंडफुलनेस को हम यूज करेंगे बच्चे को सेटल डाउन करने में, ताकि जब आप हैप्पीनेस की जैसी स्टोरी पर, जैसा मैंने बताया, वैसी स्टोरी पर बच्चे के साथ काम करना चाहें तो उससे पहले वो थॉट की स्थिति पे, अपनी थिंकिंग की स्थिति पे सेटल डाउन हो जाए। तो हर क्लास का रोजाना इसकी क्लास होनी है हैप्पीनेस की। रोजाना क्लास का पहला 5 मिनट माइंडफुलनेस सिटिंग होगी, बच्चा आंख बंद करके बैठ जाए। वो माइंडफुलनेस की सिटिंग कैसे होगी वो सौम्या जी हैं, एक बार खड़े होकर बता दीजिए, ये बताएंगे आपको भी बीच में कि कैसे करना है। उसके बाद में स्टोरी या एक्टिविटी